कौन सा खिलजी जनेऊ पहनता है और कौन सा खिलजी रुद्राक्ष धारण करता है। हमारे रावण ने ये सब इसी 1 मिनट 35 सेकंड के टीजर में किया हुआ है। दूसरी बात, हर युग की बुराई का अपना चेहरा होता है। रावण मेरे लिए बुराई का चेहरा है, अलाउद्दीन खिलजी इस दौर की बुराई का चेहरा है। अगर वो मिलता जुलता भी है, हमने उसको इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर मिल भी गया तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई एतराज की बात है। उसने ये कहा था कि हम आदिपुरुष की जहाँ जहाँ मूवी लॉन्च होगी हम वहाँ पे एक हनुमान जी की सीट बुक करेंगे। हमारे दिल में बहुत अच्छी बात लगी कि यार कोई तो ऐसा बंदा मिला हमारे देश में जो मानता है कि सच्ची में राम जी हैं, वरना हमारे देश में तो राम जी के सबूत भी मांगे जाते हैं। तो लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदिपुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। दैट प्लीज कीप वन सीट फॉर अवर हनुमान जी। लेकिन मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, अगर वो राम हनुमान जी की जगह एक सीट रावण की भी बुक कर देते ना, तो रावण ऐसी मूवी को देख के अपने खुद ही नाभि में चाकू मार लेता। बुक कर देते ना, तो रावण ऐसी मूवी को देख के अपने खुद ही नाभि में चाकू मार लेता। ये बात सच्चाई है, हमारे देश को किसी मुसलमान भाई, किसी ईसाई भाई या किसी कम्युनिस्ट भाई से खतरा नहीं है, हमारे देश को इन लोगों से खतरा है। ये जो बॉलीवुड वाले हैं, ये जो नेता लोग हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। बिल्कुल बकवास पिक्चर है। रामायण का मजाक बना दिया और कुछ नहीं किया इन लोगों ने, जो हमने कुछ नहीं किया। अजीब अजीब तरह के डायलॉग, बकवास डायलॉग, हनुमान जी से राम जी से ऐसे डायलॉग एक्सपेक्ट कर सकता है कोई? बात तो सही है। फॉर एग्जाम्पल पठान को देख लो आप, ठीक है, तो इनको पता था कि ऐसा सीन होगा। 140 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस, मतलब 140 करोड़ रुपए की कलेक्शन हो चुकी है। किसने देखी? हिंदू ने। अरे तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा कि तुम अपने खुद ही भगवानों का मजाक बना के तुम तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब ये जो डायलॉग है जो हनुमान जी ने कहा है लंका दहन के सीक्वेंस में, तो लोग कह रहे हैं ये बहुत एक तरह से भड़कालू है और ओवर सिंप्लीफाइड है। क्या हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं? रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। अखंड रामायण होती है, पाठ होते हैं, कथावाचक होते हैं। मैं एक छोटे से गांव से आया हूं, हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। वेलकम बैक माय शगेन न्यूड के साथ, और आज वीडियो होने वाली अगेन आदि पुरुष मूवी के बैन होनी चाहिए, बॉयकॉट। वैसे पब्लिक तो चाहती है, दोनों में से एक चीज़ जरूर होनी चाहिए, बट जनता की बात सुनते हैं कि वो क्या चाहती है। एंड इसका जो डायरेक्टर है मूवी का एंड राइटर, तो उनका भी थोड़ा रिव्यू है, तो वीडियो तो एंड तक देखना, देखते हैं इनकी सोच और इनकी ये जानकारी क्या देते हैं। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। कहूँ एक नया वीडियो लेकर आदिपुरुष मूवी पर। आदिपुरुष मूवी को जिसने बनाया है उसने बोला था कि हमने आदिपुरुष मूवी को इतना अच्छा बनाया कि एक सीट हर शो में हनुमान जी के लिए खाली रखना है, और हमने इतना अच्छा फिल्म बनाया है कि सब देख कर ताली बजाएंगे। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। जानने के लिए वीडियो में बने रहना है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। 70 फिल्मों में से मेरी ये पहली पिक्चर है। जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता था। उसने एक्टिंग बहुत करी है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, ये तो मुझे, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप की। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ओम राउत ने ये कहा था कि हम आदिपुरुष की जहाँ जहाँ मूवी लॉन्च होगी हम वहाँ पे एक हनुमान जी की सीट बुक करेंगे। हमारे दिल में बहुत अच्छी बात लगी कि यार कोई तो ऐसा बंदा मिला हमारे देश में जो मानता है कि सच्ची में राम जी हैं, वरना हमारे देश में तो राम जी के सबूत भी मांगे जाते हैं। तो लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदिपुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। दैट प्लीज कीप वन सीट फॉर अवर हनुमान जी। लेकिन मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, अगर वो राम हनुमान जी की जगह एक सीट रावण की भी बुक कर देते ना, तो रावण ऐसी मूवी को देख के अपने खुद ही नाभि में चाकू मार लेता। बुक कर देते ना, तो रावण ऐसी मूवी को देख के अपने खुद ही नाभि में चाकू मार लेता। पंचर पुत्र नहीं आते तो यहाँ पंचर पुत्र को रोल क्यों दिया गया? पूरा एनिमेशन लगा रखा है, ये रावण कम और अलाउद्दीन खिलजी ज्यादा लगता है अभी बता दे भाई। खिलजी तिलक धारण करता है, कौन सा खिलजी जनेऊ पहनता है और कौन सा खिलजी रुद्राक्ष धारण करता है। हमारे रावण ने ये सब इसी 1 मिनट 35 सेकंड के टीजर में किया हुआ है। दूसरी बात, हर युग की बुराई का अपना चेहरा होता है। रावण मेरे लिए बुराई का चेहरा है,
अलाउद्दीन खिलजी इस दौर की बुराई का चेहरा है। अगर वो मिलता जुलता भी है, हमने उसको इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर मिल भी गया तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई एतराज की बात है। शाबाश बेटा। नो, ये बात सच्चाई है। हमारे देश को किसी मुसलमान भाई, किसी ईसाई भाई या किसी कम्युनिस्ट भाई से खतरा नहीं है। हमारे देश को इन लोगों से खतरा है, ये जो बॉलीवुड वाले हैं, ये जो नेता लोग हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आज देखो बॉलीवुड वाले इतना सर पे चढ़ गए, और ये जितने भी हिंदू तमाम लोग हैं और जो इतने भी हिंदू संगठन के लोग हैं सब चुप बैठे हैं। जब पठान मूवी रिलीज हुई तब तो चले गए थे होलों को तोड़ने के लिए आजादी पूर्व और क्या कहते हैं, मूवी को हिट करना हो तो उसे विवादित कर डालो। इनको शुरू से पता था कि इस मूवी में विवाद होना है, और जितनी मूवी बायकॉट होती है, जितना भी हम ट्रेंड चलाते हैं उतनी मूवी हिट होती है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल पठान को देख लो आप, ठीक है। तो इनको पता था कि ऐसा सीन होगा। 140 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस, मतलब 140 करोड़ रुपए की कलेक्शन हो चुकी है। किसने देखी? हिंदू ने। अरे तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा कि तुम अपने खुद ही भगवानों का मजाक बना के तुम खुद ही उनका पैसे दे रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आदिपुरुष जैसी मूवी रिलीज हो गई और सेंसर बोर्ड तो सरकार के अंडर में आता है, और अभी तक बीजेपी वालों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? गजब बेइज्जती है। लेकिन आदिपुरुष इतनी घटिया मूवी आई जिसमें हमारे राम जी को मतलब अलग तरीके से दिखाया गया है, तो उसमें बैंड भी नहीं करा राम भाई साहब। इससे अच्छे तो ममता बनर्जी है, कम से कम वो अपने लोग, अपना एक खुद का जो इनका समुदाय है उनके साथ तो रहती है। मेरे लिए मत लड़ना, अपने लिए लड़ना, अपनी मर्यादा के लिए लड़ना। लड़ोगे? और इसके खानदान में तो सूरवीरों का खून दौड़ रहा है। तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। हर हर महादेव। The next day. आपको जरा भी नहीं पसंद आया मूवी? जरा भी नहीं बोले तो थोड़ा भी नहीं। ओम रावत ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बोले, बहुत बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती यार क्या बोलूं, अभी माफी भी मांगने लायक नहीं है। ओह माय गॉड। क्या बोलेंगे सर? नहीं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। बिल्कुल बकवास पिक्चर है। बकवास मूवी, रामायण का मजाक बना दिया और कुछ नहीं किया इन लोगों ने। जो हमने कुछ नहीं किया, अजीब अजीब तरह के डायलॉग, बकवास डायलॉग, हनुमान जी से, राम जी से ऐसे डायलॉग एक्सपेक्ट कर सकता है कोई? बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब ये जो डायलॉग है जो हनुमान जी ने कहा है लंका दहन के सीक्वेंस में, तो लोग कह रहे हैं ये बहुत एक तरह से भड़कालू है और ओवर सिंप्लीफाइड है। क्या हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं? रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। अखंड रामायण होती है, पाठ होते हैं, कथावाचक होते हैं। मैं एक छोटे से गांव से आया हूं, हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जो रामायण है उससे कितनी हटकर है ये फिल्म, और जो इन्होंने बताया वो सब शामिल करने की कोशिश में कितनी हटी है ये फिल्म। एक इंच नहीं, एक सेंटीमीटर नहीं, एक मिलीमीटर नहीं। क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। जब हम आदिपुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं, हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। क्या बोला तूने? हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। तुम लोग पहले थूकते हो और फिर चाटते हो। रामायण को हम जानते कैसे हैं? रामायण को हम वाचन परंपरा से जानते हैं और पठन परंपरा से जानते हैं। हमें से कुछ ने पढ़ा है, कुछ ने सुना है। रामायण सुनाने का तरीका है ये एक। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अरे कहना क्या चाहते हो? ये बिग्या सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा, ये सब के बच्चे, ये राइटर से ज्यादा मार्केटिंग भी खर्च कर रहे हैं। ट्रैक्शन इज ओवर। आई होप भाई आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड भाई मूवी को पूरी तरीके से पब्लिक तो बॉयकॉट कर ही रही है, एंड बैन के भी बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, बट यार कलेक्शन अभी भी वो बहुत शानदार कर रही है। मतलब आई थिंक मेरे ख्याल से 200-300 करोड़ से ऊपर कमा चुकी है वो, जिस तरीके से न्यूज़ मिल रही है। बट बॉयकॉट अटर रहेगा। एंड भाई एक बात और, जिस भाई को ये लगती है कि बॉयकॉट होनी चाहिए तो कमेंट में बोलो किस किस को लगती है, ठीक है? तो मिलते हैं किसी नूडल तकलीफ। बाय एंड टेक केयर।